और अब की बार मैं अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि अब की बार वो राजा बनाए जो हमारे साथ पूरे 5 साल साथ रहे, वो राजा न बनाए जो लास्ट 2 महीने में वोट बटोर कर सरकार बनाकर कभी 5 साल दिखाई न दे। तो अब की बार हम प्रण लेते हैं कि अब की बार हम अपना राजा वो चुनेंगे जो हमारे साथ रहेगा। रावटा से तो आपको भी ये चेक मिला है, तो देसी गौ अभी रखते हैं सर? हाँ जी। तो आगे भी मतलब ये पालते रहेंगे? हाँ जी। पहले तो मनोबल टूट गया था कि यार ये बीमारी आ गई है, तो शायद तो संदीप जी ने अनुदान राशि बीमारी के लिए पैसे बहुत ज्यादा लग चुके हैं, तो इन्होंने कुछ हमारी मदद की है। खत्म हो गई। अच्छा, तो इन्होंने मदद करी है आपकी। वेद प्रसार प्रत्येक आर्य समाज में पूरा वार्षिक उत्सव मनाने के अवसर पर उपस्थित होकर उनको प्रोत्साहित कर रहा है और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। और ये तो आपने समझ ही लिया कि वास्तविकता जो आज जनता देख रही है वो सच्चाई की ओर है, और सच्चाई का जो पाठ पढ़ाने वाले महर्षि दयानंद के जो सिद्धांतों पर चलेंगे उन्हें कामयाबी ही कामयाबी मिलेंगी। देखिए, कई लोग ये कहते थे कि भी जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी चेक तो बांट देते हैं, लेकिन चेक के नाम पे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, देते नहीं है चेक। लेकिन आज ये है, सभी के हाथों में चेक भी दिखाई दे रहे हैं, ये अकाउंट पे चेक है, सभी के हाथों में चेक है। और इधर भी देख लिए, ये जो लंपी वायरस से जो गायों के अंदर जो बीमारी आई थी, जिन गायों की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर जो है संदीप एसडीएम जो है इन्होंने एक मुहिम चलाई थी जी, देसी गौ पालकों को जो 11-11 हजार की अपने निजी कोष में से अनुदान राशि जो है इन्होंने भेंट की है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार ये ऐसे कार्य पहले भी करते रहे हैं, और आज नए वर्ष की पहले दिन जो है आज इन्होंने, ये काफी गौ पालक हैं, करीब 12 ऐसे गौ पालक हैं और 12 ऐसे लोग हैं जिनको आज चेक वितरित किए गए हैं 11-11 हजार के। तो काफी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सबूत के साथ आपके यहाँ पे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो गौ पालक हैं लगातार जो है उनसे थोड़ा जान लेते हैं। हाजी, आपको ये चेक मिला है 11 हजार का, कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं था ऐसा, पहली बार आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। संदीप जी ने बढ़िया हेल्प करी है आपकी? हाँ जी, करी है। तो साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बढ़िया हेल्प करी हमारी, बढ़िया हेल्प करी। हाँ जी, बढ़िया। तो आगे भी देसी गाय पालते रहेंगे घर में? पालते रहेंगे जी। ये अनुदान राशि आपको मिली है? आप कहाँ से आए जी? रावटा से। तो आपको भी ये चेक मिला है? तो देसी गौ अभी रखते हैं सर? हाँ जी। तो आगे भी मतलब ये पालते रहेंगे? हाँ जी। पहले तो मनोबल टूट गया था कि यार ये बीमारी आ गई है, तो शायद तो संदीप जी ने अनुदान राशि बीमारी के लिए पैसे बहुत ज्यादा लग चुके हैं, तो इन्होंने कुछ हमारी मदद की है। खत्म हो गई। अच्छा, तो इन्होंने मदद करी है आपकी। तो साहब, हाँ जी, कहाँ से आए आप? पालड़ी पुणे आ रहे हैं। पालड़ी से। आपको भी चेक मिला 11 हजार? हाँ जी। मतलब जो इन्होंने कहा था, जो लेटर दिया था, वो दे रहे हैं पैसे? हाँ जी, दे रहे हैं। आज ही आपको चेक दे दिया, अभी कैश हो जाएगा आपका, है ना? हाँ। देख सकते हैं सर, ये लगातार जो है पहले आपके ऊपर ऐसे बातें उंगलियां उठती रही कि आप एक लेटर थमा देते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है धरातल पर कुछ दे पाएंगे, तो आज ये साबित भी कर दिखाया और उन लोगों का मुंह बंद कर दिया कि लगातार इस तरह की अफवाह उड़ाते रहते थे आपके, वो आपके बारे में कुछ कुछ बोलते, लेकिन ये एक बिल्कुल प्रत्यक्ष को पढ़वाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने साबित करके दिखाया सर। सैनी साहब, हमने शुरू से देखी गौ माता के बारे में, हमने शुरू से बहुत सोचा है, और देखो गौ को जब हम माता के मानते हैं अपने देसी गायें को, अब देख रहे थे लंबे वायरस में कितनी अपनी देसी गायें स्वर सिधार गई थी, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली इन चीज़ों की। तो हमारी गौपालकों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि सर आगे से हम देसी गायें नहीं पालेंगे, हमें बहुत नुकसान हो गया है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप देसी गायें पालिए, और श्री कृष्ण जी के नाम से हमने सम्मान राशि शुरू की, और अब तक हम काफ़ी कई 100 गौपालकों को हम ये चेक दे चुके हैं। आप सबको मालूम है सैनिक साहब कि हमें 70 हजार रुपये पेंशन मिलती है, तो उसमें से हर महीने 5 गौपालकों को हम 11-11 हजार रुपये राशि देते हैं, और जो इस साल भी पूरे साल चलनी है ये। तो मैं पुनः कृष्ण जी के चरणों में नमन करता हूं, और मैं जितने हमारे गौपालक हैं मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यहां पे टाइम निकाला और यहां पे ये प्रेजेंट हुए आए यहां पे। थैंक यू सर। थैंक यू। आर्य समाज के काफ़ी लोग यहां पे मौजूद हैं,
जो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह से पहले भी जुड़े रहे हैं और आज जो है इनको जो एक 11,000 का चेक दिया गया है, तो इनसे मैं थोड़ा जान लेता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, जो इन्होंने कहा था वो वादा इन्होंने निभाया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो वादा एसडीएम साहब ने किया था वो पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये तो हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इनसे, जब ये 2003-04 में एसडीएम थे उस समय हम इनसे जुड़े हुए हैं और उस समय से आगे चलते रहेंगे। ये जहाँ जहाँ ये बोलते हैं वो तो पूरा करते ही हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है धन की, उनको बहुत बहुत सहायता करते हैं ये। तो ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जो कार्य है, इनकी जो चाहते हैं, इनकी जो इच्छा है महेंद्रगढ़ को बढ़ाने की, वो बिल्कुल पूरी हो और ये आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, जैसे इन्होंने पहले भी इस तरह से जैसे कार्य करे हैं और आज आर्य समाज को भी योगदान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी सैनी साहब, आपके चैनल के माध्यम से हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वेद प्रचार मंडल के अंतर्गत जिला महेंद्रगढ़ में 46 आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा से संबंध रजिस्टर्ड हैं और वेद प्रचार प्रत्येक आर्य समाज में पूरा वार्षिक उत्सव मनाने के अवसर पर उपस्थित होकर उनको प्रोत्साहित कर रहा है और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। और ये तो आपने समझ ही लिया कि वास्तविकता जो आज जनता देख रही है वो सच्चाई की ओर है और सच्चाई का जो पाठ पढ़ाने वाले महर्षि दयानंद के जो सिद्धांतों पर चलेंगे उन्हें कामयाबी ही कामयाबी मिलेंगी। आज माननीय एसडीएम साहब ने गत कार्यक्रमों में खेड़की के वार्षिक उत्सव पर, महेंद्रगढ़ आर्य समाज के वार्षिक उत्सव पर, कनिना के वार्षिक उत्सव पर उपस्थित होकर के माननीय एसडीएम साहब ने 11,000 रुपए की राशि अपने निजी कोष से देने की घोषणा की थी, उनके चेक आज प्रदान करके आर्य समाज को अनुग्रहित किया है। आर्य समाज तमाम उनका अपनी तरफ से सामूहिक धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं और उनको परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शक्ति दें और उन्हें आगे भी मार्गदर्शन करते रहें ईश्वर, ताकि वो इस जनता की सेवा करते रहें। प्रधान जी तो एसडीएम साहब का हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि इन्होंने सभी आर्य समाजों को 11,000 रुपए देकर हमें उत्साहित किया है, तो इनके लिए इनका बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा अपनी तरफ से देकर आते हैं, तो इनका हम अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्रधान जी, जैसे ये वैदिक ग्राम जो है इन्होंने एक योजना की है कि जब ये पावर में आएंगे तो उन्होंने ये जैसे लॉन्च किया हुआ है कि जैसे उधर एक होल्डिंग भी लगा हुआ है उधर, तो वहाँ वैदिक ग्राम जो है बनाया जाएगा आर्य समाज के लिए। ये हाँ, तो वेदों का ये परमेश्वर की वाणी है, उसका प्रचार प्रसार खूब घर घर तक पहुँचेगा। हम भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं, घर घर यज्ञ कर रहे हैं और इसका हमें परमात्मा और शक्ति प्रदान कर दे, सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे हम हर घर घर तक ये पहुंचा सके वेदवाणी को। सर हमें एसडीएम साहब का सफल होने की शुभकामनाएं करते हैं और हम एसडीएम साहब के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर नए साल पे जैसे यहाँ पे आए और इसे सम्मानित किया, मैं एसडीएम साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान इनकी लंबी उम्र करे, इनकी जो मुहिम चली है उसमें इनको कामयाबी मिले। आर्य समाज खेड़की के उत्सव में 4-5 नवंबर को गए थे एसडीएम साहब, इनने ये कहा था कि हर महीने 11,000 रुपए का चेक देंगे, तो 11,000 तो स्टेज पे ही दे दिए थे, हमें 11,000 का आज दिया है और ये भी बोला है कि 51,00,000 रुपए इस संस्था को मैं दूंगा जिस दिन मैं सत्ता में हूँगा। तो हम परमेश्वर से ये अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं परमेश्वर का कि जल्दी से जल्दी इनको इस मुहिम पर पहुँचाएँ ताकि हमारी और इस आर्य समाज की सब की ये मदद कर सकें, इनकी मुहिम पूरी हो। मैं भगवान से चाहता हूँ कि इनकी लंबी उम्र और मुहिम चलती है। सर क्या कहना चाहिए? मैं आर्य समाज का कोषाध्यक्ष अब नया नियुक्त हुआ हूँ और इन्होंने एसडीएम साहब ने भी आर्य समाज में ही
प्रवेश अभी ज्यादा जागृत का रूप से दिया है, तो हम अब भी दिन और रात आर्य समाज प्रति काम करते हैं और नित्य भूपेंद्र सिंह आर्य जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रतिदिन हवन करते हैं। अभी भास्कर में ये आप रोज न्यूज देख सकते हैं, हमारी हाजिरी प्रतिदिन काम करने तो की चेष्टा। जी का ये जो कार्य है कैसा लगा? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम इनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं आज भविष्य में ये भी आगे बढ़ते रहे, हम इनके सहयोगी रहेंगे। माननीय SDM साहब ने जो यहाँ आर्य समाज की टीमों को यहाँ बुला के उनका बहुत ही जो ना मतलब अच्छा उनका स्वागत किया है और उन्हें अपने निजी कोष से 11,000 रुपए के चेक महेंद्रगढ़ आर्य समाज खेड़की आर्य समाज इनको दिया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीछे देखिए काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आज जो नव वर्ष के उपलक्ष्य पे इनको बधाई देने के लिए आए हैं। आर्य समाज कनीना से भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर और नव वर्ष की शुभकामनाएं जो है पूर्व SDM संदीप सिंह को दी है और संदीप जी ने इनको 11,000 की अनुदान राशि जो है अपने निजी कोष में से दी है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? पहले भी ऐसे सेवा भाव करते रहे हैं और आज 11,000 की राशि आपके संस्था को दी है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। दूसरी बात, हमारा हर सांस नया है, हर दिन नया है। आज ये अंग्रेजों का नया साल है और संदीप सिंह उन अंग्रेजों के नया साल को शायद कम पसंद करेंगे। जब हमारा जो नया साल आएगा उस टाइम कोई दूसरी बात होगी। बात अभी आती है राजनीतिक की और SDM संदीप साहब की। SDM संदीप साहब ने अपनी कर्म भूमि मान करके महेंद्रगढ़ को, ये महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए एक विशेष जागरूक होने की बात है, जो कि SDM साहब का बहुत जगह संपर्क हैं लेकिन उन्होंने महेंद्रगढ़ की भूमि को कर्म भूमि मान करके ये राजनीतिक क्षेत्र चुना और महेंद्रगढ़ की जनता के दिमाग में जब ये बात आ जाएगी कि जो आदमी अपने क्षेत्र को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे और बहुत से आदमी जो महेंद्रगढ़ से भी ज़्यादा चाह रहे थे उस जगह को छोड़ दे, महेंद्रगढ़ को कर्म भूमि मान करके इसकी सेवा करना चाहें और वो आदमी इनकी सेवा के लिए और इनको आगे लाने के लिए मददगार ना हो तो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। SDM साहब ने देखिए जितने भी ये चित्र बनाए हैं और जो ये जगह का सिलेक्शन किया, मैं बाहर खड़ा ही कह रहा था SDM साहब को चाहिए बहुत बड़ी जगह और ये जगह छोटी पड़ती जा रही है, तो बड़े बड़े जगह की जरूरत क्यों है? कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं और जगह वहाँ यहाँ वहाँ है, तो आप चंडीगढ़ भेज दोगे तो SDM साहब चंडीगढ़ से यहाँ पर आएंगे तो ये जगह छोटी पड़ जाएगी, तो इसलिए पहले से ही इसका बंदोबस्त शुरू कर दें। दूसरी बात, कनीना महेंद्रगढ़ के अंडर नहीं आता, क्यों? कनीना अटेली हल्के का एक गांव है, कस्बा है, लेकिन कनीना के जो कार्यकर्ता हैं संदीप सिंह जी के वो पक्के भगत हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि जब हम अगर महेंद्रगढ़ में भी होते तो शायद हम अपने घर वालों का ही वोट दिलाते, लेकिन यहाँ पर महेंद्रगढ़ की बजाय हम अटेली के हैं तो महेंद्रगढ़ में SDM साहब को अपनी क्षमता से कम दोगुना वोट ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करने के लिए करते आए हैं, क्योंकि SDM साहब समाज का और सभी जो काम अच्छे काम करने वाले हैं, इन्होंने आज गौरतन के नाम से जो पुरस्कार राशि दे रहे थे, हम गौरतन वाले नहीं, हमारे समाज के आदमी हैं, आर्य समाज का स्वामी दयानंद ने स्थापना की थी और पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी में उन्होंने स्थापना की थी, इसलिए हम उसके हिस्सेदार हैं, तो आज हमारा भी ये सम्मान कर रहे हैं। तो जाटवा से एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सर जैसे आपके बेटे ने जैसे जो बॉक्सिंग में जिस तरह से राजस्थान में परचम लहराया था और पूर्व SDM संदीप सिंह ने 51,000 रुपए देने का वादा किया था, तो आपको एक चेक तो उसी टाइम शायद मिल गया होगा, तो दो महीने का ये चेक आपको अब दिया जा रहा है, दो चेक आपको दिए हैं जी, तो सर जो कहा था वो पूरा निभा रहे, क्या क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आज पहले तो नव वर्ष के साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं साहब से पहले भी पिछली योजना भी साहब के साथ में था और साहब की ईमानदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जो कहते हैं वहीं पर पाते हैं और साहब ने गाँव में आके मेरे बेटे ऋतिक का स्वागत किया था, उसको आशीर्वाद दिया था और 51,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया था। साहब ने 11,000 रुपये का चेक पहले दिया था और 2 11,000 रुपये के चेक आज दिए हैं, साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और
साहब जो है खेल के क्षेत्र में, मैं एक खिलाड़ी हूँ, साहब की जो भावनाएं हैं हर क्षेत्र में, साहब की भावनाएं बहुत ही अच्छे आले दर्जे की हैं। साहब ने अलाउंस भी किया हुआ है कि जैसे ये सत्ता में आएंगे तो महेंद्रगढ़ के अंदर एशिया का सबसे नंबर वन क्लास का जिम बनाएंगे। तो मैं साहब की इन सब भावनाओं के साथ जुड़ा हूँ और साहब के साथ हूँ। और अब की बार मैं अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि अब की बार वो राजा बनाएं जो हमारे साथ पूरे 5 साल साथ रहे, वो राजा न बनाएं जो लास्ट 2 महीने में वोट बटोर कर सरकार बनाकर कभी 5 साल दिखाई न दे। तो अब की बार हम प्रण लेते हैं कि अब की बार हम अपना राजा वो चुनेंगे जो हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। आप भी सर डाटवा से? हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं पहले तो नव ईयर्स के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को, और साहब का बहुत आभारी हूँ जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, गौशाला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देते हैं। इसके लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि लोग एकजुट होकर के पूरा चंडीगढ़ बैठाने वाले? मैं कहता हूँ एकजुट नहीं है, पूरा समर्थन है लोगों का, और एक साथ चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे।